और इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूँ, वही गाजीपुर जिसे वीरों की धरती और शहीदों की धरती कहा जाता है। ये जो पार्क है वो पार्क का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पार्क है वीर अब्दुल हमीद पार्क है, और वही वीर अब्दुल हमीद जो 1965 की लड़ाई के हीरो रहे, उसी पार्क में हूँ। आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति लगी है और उनकी धर्मपत्नी जी की मूर्ति लगी है, पीछे वो वही जीप लगी हुई है जिस जीप से उन्होंने पाकिस्तान के साथ पैटर्न टैंकों को तोड़कर अपना नाम इतिहास के उन पन्नों में दर्ज करा दिया। हमारे साथ जो है अभी जो शख्स आप देख रहे हैं वो वीर अब्दुल हमीद जी के बड़े बेटे हैं। हम इनसे जानेंगे, क्योंकि जब जब भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ पर जो है शहादत दिवस जब मनाया जाता है, तो बहुत बढ़ चढ़ के इनके बहुत बड़ी भागीदारी होती है, क्योंकि सब लोग इनको जानना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उन सब चीज़ों पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा परिचय बता दें, आप नाम बता दें। मेरा नाम जैनुल हसन है जी। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ जी। तो सर, आप जब भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, श्रद्धांजलि जब इनकी शहादत दिवस मनाया जाता है, आप यहाँ पर दिखाई देते हैं, बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कोई कार्यक्रम होता है मैं यहाँ पर आता हूँ और उसमें शामिल होता हूँ, और लोग मुझे सम्मानित भी करते हैं। ये पीछे आप अभी जो जीप को बता रहे थे, जो जीप है उसका एक प्रारूप यहाँ पर रखा गया है जी। हाँ, ये जीप एक मॉडल है, क्योंकि जिस जीप से मेरे पिताजी ने 8 पैटर्न टैंक को तोड़ा है, वो जीप जली अवस्था में जबलपुर क्वार्टर गार्ड में रखी हुई है, जो ग्रेनेडियर सेंटर है। और ये जीप को प्रारूप के तौर पर रख दिया गया है कि जो यहाँ पर लोग आएंगे, जो युवा आएंगे, देखेंगे कि ऐसी ही जीप थी और वही गन था जिससे उन्होंने वो 7 टैंकों को मॉडल तैयार किया गया है, क्योंकि इसी तरह से विली जीप पर वो गन माउंटेड होती थी और उसी गन से मेरे फादर ने 8 पैटर्न रिंग को तोड़ा था, जिसको कोई भरोसा नहीं था कि इस छोटी सी जीप से RCL गन से, इसको कहते हैं RCL गन, ठीक है ना, रिक्वायरलेस गन इसका नाम है। और इस जीप से मेरे पिताजी ने 8 टैंक तोड़ करके ये साबित कर दिया कि इस टैंक से पैटर्न टैंक को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जिसको नाज था कि ये पैटर्न टैंक तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे जो है एक नॉर्मल गन से उन्होंने तोड़ दिया। देखिए, ये अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था और अमेरिका को इस पर बहुत बड़ा नाज था कि ये टैंक अजय टैंक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई हथियार इस पर काम नहीं करेगा। और पाकिस्तान उस टैंक को लेकर के अपना इरादा ये बनाया था कि मैं इस टैंक के जरिए दुश्मन को फतह करके दिल्ली में आकर के चाय पियेंगे। ये पाकिस्तान का नापाक इरादा था, जिसको मेरे फादर ने जो है मिनटों में ध्वस्त करके उनके नापाक इरादों को ख़त्म कर दिया। जब आप जाते होंगे कहीं तो लोग बड़े गर्व से कहते होंगे कि आप उनके बेटे हैं, जिन्होंने पूरे देश ही नहीं, पूरे पूरा विश्व जानता है वीर अब्दुल हमीद को। जी, मेरे फादर की वजह से हम लोगों को पूरा सम्मान दिया जाता है, जहां भी हम लोग जाते हैं। जब लोगों को पता लगता है कि उनके परिवार के लोग हैं या उनके बड़े बेटे हैं या जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा देश मेरे साथ है। साथ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाता है बड़ा, अभी जो है जो जीप रखी है सीट उट फट जाती है, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सही नहीं कुछ दिखता है कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें ये चीज़ हमने भी देखा है, और चूंकि ग्राम प्रधान जी की जिम्मेवारी होती है कि जो भी धरोहर हो, जो राष्ट्रीय धरोहर हो, ये राष्ट्रीय धरोहर माना जाएगा, इसकी हिफाजत करें, जो भी इनके पास सुविधाएँ हैं उससे उसका फ़ायदा उठाएँ। अगर इनसे नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से SDM से मिल करके उस सुविधा को प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कभी जीप का स्टेयरिंग लोग इधर उधर कर देते हैं, कभी कोई न कोई सामान खोल देते हैं, कभी लाइट खोल देते हैं, और प्रॉपर पार्क की सफाई नहीं हो पाती है, ये हमने देखा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक सिंगर भी हैं, गाना वाना गाते हैं थोड़ा सा, आज 15 अगस्त है, थोड़ा सा सुना दीजिए। क्या नाम है थोड़ा जी? नमस्कार प्रणाम, मैं सिंगर प्रदीप चौहान, आपके जस्ट बाजू में मेरा घर है, यहाँ पे जसौली ग्राम सभा पड़ता है, टणवा टप्पा। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और दादा वीर अब्दुल हमीद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं एक
अपने ही यहाँ से दिनेश लाल यादव जी के माध्यम से सुना था एक गीत, वही गाने चाहता था, तो इसलिए मैं भैया से मिला कि भैया के इंटरव्यू मेरा भी ले लीजिए, तो मैं सुनाना चाहता हूँ जी। अरे खुनवा के होली खेलले आ भूल गईले ईद के, आ 65 के क्रांति ही नामे आ बदुल हामिद के, 65 के क्रांति ही नामे। अरे खुनवा के होली खेलले आ भूल गईले ईद के, आ 65 के नामे क्रांति, अरे अब्दुल हामिद के। जय हिंद जय भारत। देख लीजिए, ये युवा हैं और ये सिंगर हैं, और जब ये गाने के माध्यम से ऐसे वीर शहीदों, वीर सपूतों की जो गाथाएं हैं अपने गाने के माध्यम से जब लोगों में जब गाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जो यहाँ के युवा हैं, गाजीपुर के जो युवा हैं, उन युवाओं में एक जोश और जुनून बढ़ जाता है कि हम भी जाते सेना में भर्ती होते। वैसे तो पहली प्राथमिकता इस गाजीपुर ज़िले के युवाओं में होती है कि हम आर्मी में जाएँ और देश की सरहदों की रक्षा करें, और वो जो सपने हैं, वो जो प्रेरणाएँ हैं, ऐसे ऐसे वीर शहीदों से मिलती है, ऐसे ऐसे वीर शहीदों से मिलती है। और यहाँ पर तमाम जो युवा हैं आते हैं एक बार जरूर यहाँ पर, और इनके दर्शन के लिए, इनको नमन करने के लिए, और जब जब भी हमें मौका मिलता है इस वीर अब्दुल हमीद पार्क में आने का, तो हम भी, हमारा भी सौभाग्य होता है कि हम आके यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं और इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। हमारे साथ उनके परिवार से, तो उनके बेटे, बड़े बेटे हैं, इनसे बातें हुई, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।